यूपी में बीजेपी ने आज अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया, जिसमें 2 LPG सिलेंडर, स्कूटी और किसानों को मुफ्त बिजली समेत कई वादे किए हैं। बताते चले कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने आज अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र को लोक कल्याण संकल्प पत्र 2022 नाम दिया है। पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम योगी के साथ बीजेपी का घोषणा पत्र जारी किया। अमित शाह ने कहा कि ये सिर्फ घोषणा पत्र नहीं है, ये संकल्प पत्र है। उत्तर प्रदेश को नए भविष्य की ओर ले जाने का संकल्प पत्र है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष यही घोषणा पत्र लहराते हुए पूछते हैं कि कितने पूरे हुए। मैं उनको बता देना चाहता हूं कि 212 संकल्प पूरे हुए। आपको बता दें कि बीजेपी के घोषणा पत्र में अन्य बड़े ऐलान हुए हैं, जिसमें सभी 18 मंडलों में एंटी करप्शन ऑर्गेनाइजेशन यूनिट स्थापित करेंगे। वहीं मेरठ में कोतवाल धन सिंह गुर्जर अत्याधुनिक पुलिस ट्रेनिंग सेंटर होगा। लव जिहाद पर 10 साल की जेल और 1 साल का जुर्माना लगेगा। वहीं मेरठ, रामपुर, आजमगढ़, कानपुर और बहराइच में एंटी टेररिस्ट कमांडो सेंटर बनाएंगे। प्रत्येक पुलिस स्टेशन में साइबर हेल्प डेस्क होगा। 5 विश्व स्तरीय एग्जीबिशन और अत्याधुनिक कन्वेंशन सेंटर बनाएंगे। कानपुर में मेगा लेदर पार्क बनेगा। 10 लाख रोजगार और 100 रोजगार के मौके दिए जाएंगे। बाबूजी कल्याण सिंह ग्राम उन्नत योजना होगा। वाराणसी, मिर्जापुर और चित्रकूट में रोपवे सेवा। 2000 नई बसों के माध्यम से सभी गांवों में बस की सुविधा। पूरे प्रदेश में अन्नपूर्णा कैंटीन। काशी, मेरठ, गोरखपुर, बरेली, झांसी और प्रयागराज में मेट्रो। मछुआरा समुदाय के लिए नदियों के पास लाइफ गार्ड की नियुक्ति। राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय की स्थापना। EWC कल्याण बोर्ड का गठन। सभी निर्माण श्रमिकों को मुफ्त जीवन बीमा। दिव्यांग और वरिष्ठ नागरिकों का पेंशन 1500 रुपये प्रति माह। महर्षि वाल्मीकि का चित्रकूट में, संत रविदास का बनारस में, निषादराज गुहा का सिंगवेरपुर में और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की स्मृति में सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना होगी। वहीं आपको बता दें कि रोजगार स्वास्थ्य पर बीजेपी के घोषणा पत्र में शामिल है। हर परिवार में कम से कम 1 रोजगार या 100 रोजगार का अवसर देंगे। प्रदेश के सभी विभागीय रिक्तियां भरने के लिए प्रतिबद्ध होगी। प्रतियोगी परीक्षा के लिए मुफ्त कोचिंग। 2 करोड़ टैबलेट और स्मार्टफोन बांटेंगे। प्रत्येक ग्राम पंचायत में जिम और खेल मैदान। लाइफ सपोर्ट से लैंस एम्बुलेंस की संख्या 2 गुना करेंगे। प्रत्येक जिले में डायलिसिस केंद्र होंगे। MBBS की सीटें 2 गुनी की जाएगी। 6000 डॉक्टर और 10000 पैरामेडिकल स्टाफ की नियुक्ति की बात कही गई है। बीजेपी के घोषणा पत्र में किसानों के लिए बात कही गई है, जिसमें किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली की बात कही गई है। 5000 करोड़ की लागत से कृषि सिंचाई योजना। 25000 करोड़ की लागत से सरदार पटेल एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन। आलू, टमाटर, प्याज जैसे सभी फसलों का न्यूनतम मूल्य देने के लिए 1000 करोड़। गन्ना किसानों को 14 दिन के अंदर भुगतान, देरी होने पर ब्याज सहित भुगतान की बात कही गई है और निषाद राज बोर्ड सब्सिडी योजना की बात कही गई है। वहीं महिलाओं के लिए बीजेपी की घोषणा पत्र में कॉलेज जाने वाली हर महिला को मुफ्त स्कूटी की बात कही गई है। उज्ज्वल के सभी लाभार्थी को होली और दीपावली में 2 मुफ्त LPG सिलेंडर। कन्या सुमंगला योजना को 15000 से बढ़ाकर 25000 की बात कही गई है। गरीब परिवार की बेटियों के विवाह के लिए 1 लाख रुपए के आर्थिक मदद। मिशन पिंक टॉयलेट के लिए 1000 करोड़। हर विधवा और निराश्रित महिला को 1500 रुपए प्रति माह का पेंशन। 3 नई महिला बटालियन। सभी सार्वजनिक स्थानों और शैक्षणिक संस्थानों में CCTV कैमरे और 3000 पिंक पुलिस बूथ। 5000 करोड़ की लागत से अवंती बाई लोधी स्वयं सहायता समूह मिशन की शुरुआत की बात कही गई है। UPSC समेत सभी सरकारी नौकरियों में महिलाओं की संख्या 2 गुनी। 1 करोड़ महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 1 लाख रुपए तक का न्यूनतम दर लोन। 60 साल से अधिक उम्र की महिलाओं के लिए मुफ्त में यात्रा। महिला एथलीटों को 5 लाख रुपए तक की आर्थिक मदद की बात कही गई है। वहीं छात्रों के लिए बीजेपी के घोषणा पत्र में हर मंडल में 1 यूनिवर्सिटी की बात कही गई है।
अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी, आजमगढ़ में महाराजा सुहेले देव यूनिवर्सिटी, सहारनपुर में माँ शाकुंभरी देवी यूनिवर्सिटी, लखनऊ में यूपी इंस्टीट्यूट ऑफ पुलिस एंड फॉरेंसिक साइंस, अयोध्या में आयुष शैक्षणिक संस्थान, गोरखपुर में गुरु गोरक्षनाथ आयुष यूनिवर्सिटी, प्रयागराज में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी और मेरठ में मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का काम पूरा करेंगे। बीजेपी की घोषणा पर जारी होने के बाद योगी बोले कि यह 25 करोड़ लोगों के जीवन में बदलाव लाने वाला पत्र है। 5 साल पहले भी हमने पीएम मोदी के नेतृत्व में संकल्प पत्र रखा था, उन संकल्पों को मंत्र बनाकर जो कहा था वो कर दिखाया, जो आगे बोलेंगे उनको भी करके दिखाएंगे। बीजेपी पहले रविवार को अपना लोक कल्याण संकल्प पत्र 2022 जारी करने वाली थी, लेकिन लता मंगेशकर के निधन के बाद उस कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया था। आज यह कार्यक्रम इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान गोमती नगर में हुआ।